हम बात करेंगे जय क्लब में 23 अप्रैल को होने जा रहे चुनाव के बारे में। इस चुनाव में जय क्लब के सदस्यों द्वारा जय क्लब के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव होगा। इस पर हम वर्तमान में सचिव रहे मनोज दासोत एक बार फिर से सचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण वो अपने ग्रुप डॉक्टर बम और इसी के साथ में डॉक्टर तांबी दासोत ग्रुप की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जय क्लब का सचिव पद पे अभी मेरा कार्यकाल चल रहा है और मैंने मेरे कार्यकाल में जय क्लब की वित्तीय स्थिति को अच्छा सुधार हुआ, एक अच्छी लॉबी बनाई, एक अच्छा बार बनवाई, एक फैमिली एटमोसफेयर का यहाँ पर फैमिली एटमोसफेयर रहा। जब फैमिली आई तो उन्हें अच्छा बार और अगर लॉबी जो हमारी 5 स्टार से कम नहीं बनी, एक बारहमासी रेस्टोरेंट रूप शॉप भी हमने का निर्माण कराया, कॉफी शॉप भी बनाई और एक अच्छा माहौल रहा, फैमिली एनवायरनमेंट रहा, अच्छे फंक्शन हुए आग में, यहाँ का हेल्थ क्लब का सुधार हो, हाईटेक हेल्थ क्लब बने, बढ़िया किचन बने, ये जो चीज़ ये कमी है उन्हें मैं इन 2 सालों में जो आने वाली 2 साल है जो अगर मुझे लोगों ने प्यार और समर्थन देकर अगर दिखाएंगे तो मेरा जो मेन मोटिव है हेल्थ क्लब का है कि इसे आधुनिक बनाया जाए जिससे मेंबर की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। मैंने जब ये कार्यकाल संभाला जब वित्तीय स्थिति में हमारे क्लब के पास 3 करोड़ की FD थी और जब आज समाप्त होने जा रहा है हमारा ये पुराना कार्यकाल तो आज 8 करोड़ की FD है और 8 करोड़ के बाद 2 करोड़ का हमने यहाँ पर इसमें बाहर में लॉबी में और ये मतलब कैलिडोर में इस तरह का रंग पुताई जो आज तक कभी पेंट वगैरह हमारे क्लब में नहीं हुआ था 10-12 साल से पूरी बिल्डिंग को पेंट कराया गया, बिल्डिंग का पूरी रखरखाव करी गई क्योंकि कोविड के बाद जब कार्यकाल आया उसे संभालने में फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी और सभी मेंबर की सहयोग से ये हम इस उस टाइम की पीड़ा को निकाल पाए और अब मैं मानता हूँ कि आज ये क्लब बड़ी सुदृढ़ स्थिति में और आने वाले समय में भी मेरा ये सपना है कि जय क्लब नई ऊंचाइयों को छुए, एक अच्छा क्लब बने जो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम हो।